Assalamu alaikum, welcome to the class of Ammar Murtaza, the channel Physics with Ammar, the finest and easiest way to learn the concepts of physics. So today we will discuss on simple harmonic motion. Before I start, I have a request for you guys. If you are new on this channel, do subscribe this channel and press the bell icon so that you can get every video from this channel and share with your friends as well. So simple harmonic motion के ऊपर आज तो हम बात करेंगे जिसको SHMP बोलते हैं simple harmonic motion और SHM. So simple harmonic motion है क्या? सबसे पहले तो इसको समझना है. ये कहता है कि ये वो vibratory motion है. It is the type of vibratory motion जिसमें हमें दो चीजें मिले. एक चीज ये मिले कि एक्सीलरेशन इसकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो डिस्प्लेसमेंट के साथ. दूसरी चीज ये कि उसकी एक्सीलरेशन का जो डायरेक्शन हो ना वो आपका मेन पोजीशन की तरफ हो, यानी ऑलवेज डायरेक्शन टुवर्ड्स मेन पोजीशन. मतलब वो किधर जाना चाहता हो, मेन पोजीशन की तरफ जाना चाहता हो. अब हम इसको फर्दर इलैबोरेट करने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं. मास अटैच्ड टू द स्प्रिंग. मेरे पास एक स्प्रिंग है. सपोज करें मेरे पास एक स्प्रिंग है, यहां पर मैंने हुक लगा के इसमें एक तो छेड़ा स्प्रिंग का इसमें बांध दिया, बाकी ये दूसरी चीज तो फ्री है मेरा दूसरा छेड़ा. तो अब इसको जो है नीचे में कोई भी फ्रिक्शनलेस जो है वो सरफेस रखता हूं और उसके साथ अब इस दूसरे छेड़े को मैं मास जो है वो अटैच कर लेता हूं. अब देखें ये जब मैं मास को इससे खींचूंगा मास से तो स्प्रिंग स्ट्रेच होगा ना, बिल्कुल होगा. यानी इसको अगर मैं नहीं खींचूंगा तो ये अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन पे हो जाएगा, यानी इसको ये इक्विलिब्रियम पोजीशन पे ही रहेगा. एक छेड़ा इसमें अटैच कर दिया और दूसरा जो है वो ऐसे फ्री जो है वो मास से अटैच कर लिया. अब दोनों ही छेड़े इसके जो है वो अटैच्ड है. अब देखिए जब ये आपकी इक्विलिब्रियम पोजीशन में, यानी इस पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स जो है वो बाकी नहीं लगा, ठीक है. तो जब मैं इस मास से अब इसको खींचूंगा, यानी इसको मैं फोर्स लगाऊंगा, तो क्या होगा, स्प्रिंग स्ट्रेच होगा और विद इन इट्स इलास्टिक लिमिट. ये याद रखिएगा कि इलास्टिक लिमिट को आपने नजर में रखना है. जब आप स्प्रिंग को ज्यादा खींचते हैं, ज्यादा फोर्स लगाते हैं, तो उसकी जो इलास्टिक लिमिट है डियर स्टूडेंट्स वो क्या हो जाती है, टूट जाती है. तो वो स्प्रिंग फॉर्म में नहीं रहता, वो फिर लीनियर फॉर्म में आ जाता है. तो इसकी इलास्टिक लिमिट जो है वो हमने ध्यान में रखनी है. तो हमने तो इसको जो है वो खींचा. अब जब इसको खींचा तो विद इन इट्स इलास्टिक लिमिट, सपोज करें इससे ज्यादा अगर मैं इसको फोर्स लगाता तो ये स्प्रिंग जो है वो स्प्रिंग फॉर्म में नहीं होता, वो लीनियर फॉर्म में आ जाता. ये उसकी लास्ट स्टेज थी कि यहां तक मैं फोर्स लगा सकता था, ठीक है. तो ये मैंने यहां पर फोर्स लगा लिया. तो जब मैंने यहां से देखें, अब स्प्रिंग जब यहां पर था पहले केस में तो ये बिल्कुल जो है वो रेस में था. अब जब रेस में कोई बॉडी होती है उसके ऊपर जो एनर्जी उसमें स्टोर होती है वो इन द फॉर्म ऑफ किसमें होती है, दो टाइप्स होते हैं, एक तो पोटेंशियल एनर्जी होती है, दूसरी काइनेटिक एनर्जी होती है. आप बता सकते हैं कि जब रेस में होती है कोई बॉडी उसमें जो एनर्जी होती है डियर स्टूडेंट्स वो इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी होती है. तो जब ये यहां पर था तो पोटेंशियल एनर्जी थी और जब मैंने इसको खींचा तो अब इसमें पोटेंशियल एनर्जी कम होती गई और काइनेटिक एनर्जी बढ़ती गई. और जब मोशन में होती है कोई भी बॉडी तो उसमें काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है और पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम हो जाती है, ठीक है. तो जब मैंने इसको खींचा तो इस यहां पर पूरे जो है वो केस में यहां पर पोटेंशियल एनर्जी तो मिनिमम हो गई तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो गई, तो वो हो गई, ठीक है. तो जब ये यहां पर अभी मैंने रखा, अब इस पर फोर्स भी होगा, फोर्स भी होगा, ऐसी बात है कि स्प्रिंग स्ट्रेच है. अब स्प्रिंग को जो है वो क्या करेगा, स्प्रिंग अपनी मीन पोजीशन की तरफ जाना चाहेगा. यहां पर इसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी क्योंकि अब ये पूरा सिस्टम रेस्ट में है, लेकिन स्प्रिंग अपनी जो है वो पोजीशन वही रखना चाहेगा जो कि इसकी पहली थी, यानी इक्विलिब्रियम पोजीशन. तो स्प्रिंग के ऊपर अंदर एक फोर्स लगेगा,
स्प्रिंग के अंदर एक फोर्स लगेगा जो उसे चाहेगा कि वो अपनी मेन पोजीशन की तरफ आए। अब ये सपोज करें ये पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम थी तो ये उसकी मेन पोजीशन है जिसको हम ओ से डिनोट करते हैं। और जब मैंने इसको जो है वो खींचा स्ट्रेच किया तो यहां इस पॉइंट पर इसकी जो है वो एक पॉइंट आ गई, इससे ज्यादा मैं नहीं खींच सकता तो ये इसकी एक्सट्रीम पोजीशन है। कौन सी पोजीशन है डियर स्टूडेंट्स? एक्सट्रीम पोजीशन। तो ये इसकी एक्सट्रीम पोजीशन है। अब यहां से अगर मैं इसको छोड़ता हूं, ये इस मास को जो है वो इसमें से निकाल देता हूं, तो ये स्प्रिंग क्या करेगा डियर स्टूडेंट्स? ये अपनी जो है वो रिस्टोरिंग फोर्स जो इसका होगा उसकी वजह से ये अपनी मेन पोजीशन की तरफ आना चाहेगा, बट ड्यू टू इनर्शिया वो यहां पर आके रुकेगा नहीं, वो आगे की तरफ जाएगा। ड्यू टू इनर्शिया वो आगे की तरफ जाएगा। जब जाएगा तो जिस फोर्स से हमने इसको ये इधर खींचा था राइट साइड पर, उसी फोर्स से ये लेफ्ट साइड की तरफ जाएगा। अब ये यहां पर आके रुकता है यानी बी पोजीशन के ऊपर। अब ये इसकी एक अदर एक्सट्रीम पोजीशन हो गई, यानी इससे ज्यादा वो नहीं जाता इधर, क्योंकि हमने इसको बिल्कुल एक्सट्रीम पोजीशन तक ही खींचा था तो ये यहां पर आके रुकेगा। अब रुकेगा कितनी देर तक? एक सेकंड के ऊपर, मतलब बिल्कुल शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम के ऊपर। तो ये यहां पर इसकी पोटेंशियल एनर्जी आ गई। जब इसको हमने छोड़ा यहां से तो इसमें कौन सी एनर्जी थी? काइनेटिक एनर्जी। ये देखें यहां पर कौन सा फोर्स लग रहा था स्प्रिंग के ऊपर? रिस्टोरिंग फोर्स। रिस्टोरिंग फोर्स क्या कहता है? रिस्टोरिंग फोर्स डियर स्टूडेंट्स क्या कहता है कि वो अपने बॉडी को अपनी ओरिजिनल शेप में यानी इक्विलिब्रियम वाली पोजीशन में लाना चाहता है। यानी इसका अब डायरेक्शन क्या होगा? इसका डायरेक्शन इधर होगा। हमने इसको स्ट्रेच उस तरफ किया, फोर्स हमने उस तरफ लगाया, लेकिन फोर्स जो रिस्टोरिंग होगा स्प्रिंग क्या चाहेगा कि वो अपनी मेन पोजीशन के में जाना चाहेगा। तो उसका जो रिस्टोरिंग फोर्स का डायरेक्शन होगा वो इधर होगा, जबकि हमने जो फोर्स लगाया उसका डायरेक्शन उधर होगा। बात को समझना चाहिए यहां पर। रिस्टोरिंग फोर्स इधर, हमने जो फोर्स लगाया वो उधर। समझ आ गई बात? अब जब जो है वो मैं छोड़ता हूं इसको तो ये आएगा यहां पर, रुकेगा नहीं, ड्यू टू इनर्शिया ही इधर आ जाएगा। अब यहां पर इसका रिस्टोरिंग फोर्स क्या होगा? ये होगा इस डायरेक्शन में, क्योंकि इसकी मेन पोजीशन इधर है, क्योंकि इसकी मेन पोजीशन इधर है तो रिस्टोरिंग फोर्स जो है वो अगेन इस तरफ जाना चाहेगा। अगेन इस तरफ जाएगा तो फिर ए की तरफ आएगा, फिर बी की तरफ, यानी ये ऑसिलेट होगा, इसमें वाइब्रेशन होगी, टू एंड फ्रो मोशन होगा, ऑसिलेशन होगी। तो ये ऐसे एक मेन पोजीशन के बिटवीन ऑसिलेट करता रहेगा। जब ये ऑसिलेट करता रहेगा डियर स्टूडेंट्स तो क्या होगा? क्या होगा? कुछ होगा नहीं, लेकिन हमें जो है वो रिस्टोरिंग जो फोर्स है वो उसका डायरेक्शन देखना है। जस्ट कि जब हमने इसको स्ट्रेच किया तो उसका डायरेक्शन तो ये था, लेकिन रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से उसका डायरेक्शन जो रिस्टोरिंग फोर्स था स्प्रिंग में वो इधर इसको इधर लाना जो है वो चाहता था। अब पहला केस देखें, ये तो है बिल्कुल इक्विलिब्रियम पोजीशन में। दूसरा केस देखें, स्ट्रेच है। थर्ड केस देखें कि ये कंप्रेस है। इस चीज को हमने प्रूव करना है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि रिस्टोरिंग फोर्स जो होता है वो किसी भी बॉडी को अपनी मेन पोजीशन की तरफ जाना जाने के लिए मजबूर करता है, वो फोर्स होता है रिस्टोरिंग फोर्स। तो हम आगे लाते हैं हुक्स लॉ के ऊपर। हुक्स लॉ क्या कहता है कि जितना किसी बॉडी पर फोर्स लगाएंगे उतना वो डिस्प्लेस करेगी। ठीक है, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। जितना फोर्स होगा उतनी डिस्प्लेसमेंट होगी। मैं इसके ऊपर मार्कर के ऊपर जितना फोर्स लगाऊंगा उतनी वो ज्यादा जो डिस्प्लेसमेंट दे करेगी। जितना मैं स्प्रिंग को खींचूंगा जितना फोर्स लगाऊंगा उतनी ज्यादा उसमें डिस्प्लेसमेंट होगी। ये तो अंडरस्टूड बात है। तो एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स। और यहां पर हम जब प्रोपोर्शनलिटी की साइन को रिमूव करते हैं तो हमारे पास कॉन्स्टेंट आता है और इसको यहां पर स्प्रिंग कॉन्स्टेंट बोलते हैं। इसकी वैल्यूज जो है वो डिफरेंट होती है फॉर डिफरेंट स्प्रिंग्स।
जब इस ये जो है वो वैल्यू डिपेंड करती है स्प्रिंग की स्टिफनेस के ऊपर. अब रिस्टोरिंग फोर्स एक्स इज इन अपोजिट डायरेक्शन, ये अपोजिट डायरेक्शन में है तो क्या होगा? मैंने आपको पहले भी बताया है कि जब फिजिक्स में नेगेटिव की साइन आती है वो हमें शो करती है अपोजिट डायरेक्शन को, यानी जब अपोजिट डायरेक्शन होगा तो हम नेगेटिव साइन दे देंगे. तो यहां पर भी हमने माइनस दे दिया है, इंट्रोड्यूस करवाया. हाँ, अब यहां पर एफ आर यानी रिस्टोरिंग फोर्स इज इक्वल टू माइनस के एक्स. अब आपको पता है कि अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड ऑफ मोशन एफ इज इक्वल टू एम ए यानी मास इनटू एक्सीलरेशन. तो वो अब वैल्यू यहां पर पुट करेंगे तो एफ इज इक्वल टू एम ए, तो एफ की जगह एम ए इज इक्वल टू माइनस के एक्स. तो ये अब जो है वो एक्सीलरेशन, क्योंकि हमने मालूम करनी है ये टर्म हमने लाना है, तो एक्सीलरेशन इधर ही रहेगा और इज इक्वल माइनस के, तो यहां पर था अपॉन में एम आ जाएगा, यहां पर इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में था और ये अब डिवीजन में आ गया और इन टू एक्स आ जाएगा. अब के अपॉन एक्स जो है डियर स्टूडेंट्स वो कॉन्स्टेंट्स हैं, दोनों ही कॉन्स्टेंट है. पहला तो स्प्रिंग कॉन्स्टेंट है, दूसरा किसी स्प्रिंग का मास चेंज तो नहीं हुआ आफ्टर उसको स्ट्रेच करें फिर कंप्रेस हो जाए, तो बिफोर एंड आफ्टर उसका जो मास होगा वो तो इक्वल होगा, वो बराबर होगा, वो कॉन्स्टेंट होगा. तो हम के अपॉन एम को यहां से निकाल देते हैं, सपोज करिए यहां से हमने निकाल दिया तो बाकी क्या टर्म बचेगा? ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स. जब हम कॉन्स्टेंट्स को निकाल लेते हैं तो इक्वलिटी की साइन जो है वो भी निकल जाएगी और वो प्रोपोर्शनलिटी की साइन में चेंज हो जाएगी. तो ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स. तो यहां पर आप देखें कि सबसे पहले जब भी आपने देखा था कि फोर्स जब किसी चीज में होता है तो उसमें एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होता है. यहां पर जो हमने जो है वो फोर्स लगाया उसमें एक्सीलरेशन प्रोड्यूस हुआ, जब फोर्स लगाया एक्सीलरेशन प्रोड्यूस हुआ, लेकिन देखिए रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से उसका जो डायरेक्शन था डियर स्टूडेंट्स वो मीन पोजीशन की तरफ था. क्लियर? अच्छा, एक तो फोर्स एक्सीलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, तो जितना हमने बॉडी को डिस्प्लेस किया उतना जाहिर सी बात है फोर्स लगा तो उतनी एक्सीलरेशन प्रोड्यूस हुई, तो ये तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. और माइनस साइन दी है बिकॉज के इसका जो डायरेक्शन है वो ऑलवेज टुवर्ड्स मीन पोजीशन है. सो दिस इज ऑल अबाउट सिंपल हार्मोनिक मोशन. ये जो है वो आपका था सिंपल हार्मोनिक मोशन, जो कि एक्सीलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट एंड एक्सीलरेशन इज ऑलवेज टुवर्ड्स मीन पोजीशन, वो हमेशा मीन पोजीशन की तरफ आना चाहता है. ये अब काफी एग्जांपल्स हो सकते हैं. अब जो है वो झूला जब देखते हैं, जब बच्चे जो है वो छोटे बच्चे, वो भी आपका जो है वो SHM का एग्जांपल है. आप कोई स्टील बॉल लेते हैं वो उसको जो है वो आप किसी जो है वो बार के ऊपर रन करवाते तो वो भी आपका SHM है, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में वो आपका क्या करता है मूवमेंट करता है. ऐसे काफी जो है वो एग्जांपल्स हैं, लेकिन हमने मास अटैच टू स्प्रिंग के एग्जांपल को लेके इस SHM को हमने समझा भी और इसको इस टर्म को हमने प्रूफ भी किया. तो कैसा लगा ये आपको लेक्चर? अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई यू. और उसके अलावा अगर ये लेक्चर आपको अच्छा लगा तो लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें एंड शेयर कर दें. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें. ये अगर नोट करने जैसी चीजें हैं तो जरूर इसमें नोट कर लें, और अगर एक बार समझ में ना आए तो इसको रिपीट कर दें. अल्लाह हाफिज़.